फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मेथी की बिल्कुल झटपट बनने वाली बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ सब्जी, वो भी कुकर में बिल्कुल 10 मिनट में रेडी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो उसके लिए हमने लिया 500 ग्राम मेथी, जिसे हमने तोड़ भी लिया है, काट भी लिया है, बस इसे वॉश करना है। अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। साथ में मैंने लिया है आलू, आलू मैंने ये भी मैंने 500-400 ग्राम के आसपास मैंने आलू लिए हैं। अब हमने अपनी मेथी भी अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने रख दिया गैस पे कुकर। अब हम इसमें डालेंगे अपना ऑयल। तो हमने तेल ले लिया है, उस तेल को अच्छे से धुआंधार हम इसे गर्म करेंगे, क्योंकि हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर ये कच्चा रहा तो इसमें तेल में स्मेल आएगी, इसलिए हम इसे अच्छे से गर्म करेंगे। तो मसाले के लिए हमने लिए 4 से 5 लहसुन की कलियां, एक छोटे साइज का प्याज, 2 टमाटर और 4-5 मैंने हरी मिर्च ली है। तो हम इन सभी को हम कट कर लेंगे। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम कुकर में ऐड करेंगे अपने बारीक चॉप करे हुए लहसुन। तो हमने बारीक प्याज भी चॉप कर ली थी, तो हमने इसे रफली ही चॉप किया, बारीक नहीं किया। और साथ में मैंने हरी मिर्ची भी कट कर ली थी, ये भी हमने कुकर में ऐड कर देंगे। अब हमने प्याज को अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है वो हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपनी वॉश करी हुई मेथी। अब हम अपनी मेथी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से भुनने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी मेथी भी आप देख सकते हैं बैठ गई है, भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। और आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे कट इसमें कट कर लिए हैं क्यूब्स की तरह। अब इसमें मैं कुकर में ऐड करूंगी। और जो हमने टमाटर चॉप किए थे वो टमाटर भी इसी में ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। सब्जी में और अच्छा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर। और इसको सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम और भून लेंगे, ताकि हमारे जो सभी सामान है वो अच्छे से, जो वेजेस वगैरह सब अच्छे से एकसार मिक्स हो जाए। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो 2 मिनट हो चुकी है, अब कुकर के लगा देंगे लिड और इसे हाई फ्लेम पे प्रेशर लगाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 सेकंड में अच्छे से प्रेशर आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया हमने और लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। ये अपने आप पक जाएगी 5 मिनट में, क्योंकि प्रेशर में बनने वाली सब्जी है। आपको पता है आलू भी जल्दी से पक जाते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी सब्जी पकने के बाद 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और हम इसका प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। और बिल्कुल रेडी है हमारी सब्जी भी। चलिए देखते हैं प्रेशर निकल गया हमारी सब्जी का, चेक करते हैं हमारी सब्जी बनी है या नहीं। वैसे ये बन चुकी है, क्योंकि 5 से 7 मिनट में बिल्कुल बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बन चुकी है बिल्कुल। मैं आपको एक आलू कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे आलू भी कितने अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए सर्व करते हैं सब्जी को। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारे 10 मिनट में झटपट से बनने वाली आलू मेथी की सब्जी, वो भी कुकर में। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।